बिजनौर में अंधेरे दिन में एक किसान की दर्दनाक मौत, गिर गई आसमान से बिजली। दरअसल आपको बता दें कि कल जिला बिजनौर में मौसम दिन के 11 बजे ऐसा हो गया था कि जैसे रात के 12 बज रहे हो, यहां तक कि आंधी व बारिश के साथ ओले भी पड़ने शुरू हो गए थे। जब लोगों ने दिन में रात देखी तो सब अलग अलग चर्चा करने लगे। कुछ लोग तो इतने डर गए थे कि घरों से बाहर तक नहीं निकले। तो वहीं कल नहटोर में अरविंद नाम के किसान, जिनकी उम्र 48 साल है, वह गांव खजूरा जट के रहने वाले हैं। जैसे ही अरविंद किसान अपने घर के बाहर बंधे पशुओं को घर के अंदर ले जाने आए, तभी काला बादल गड़गड़ाया और उसमें से आकाशीय बिजली निकलकर अरविंद किसान के ऊपर गिर गई। बिजली गिरने से अरविंद किसान बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें पास के ही डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने अरविंद को मृत घोषित कर दिया। अरविंद की अचानक मौत से उनके परिवार में मचा कोहराम। तो वहीं ग्राम प्रधान सत्येंद्र कुमार ने बताया, अरविंद के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें बिजनौर खबर टीवी। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर जैन है, मैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे से जिला मंत्री। सर, ये आज देखा जा रहा है करीबन 11-12 बजे से लगातार बारिश हो रही थी हवाओं के साथ, इसके बारे में कुछ बताएं। ये तो 11 बजे से हमारे यहाँ ऐसा हो गया कि बिल्कुल दिन में सुबह 11 बज रहे थे और 11 बजे रात हो गई एकदम, और बारिश होने लगी, आंधी आई बहुत तेज, जिससे कि लोग भी घरों में कैद हो गए हैं। और जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं या बसें चल रही हैं, उसमें भी जो है लाइट जला के चलना पड़ रहा है।